वापस लो, वापस लो, हाय हाय हाय, कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। कल से हम लोग कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। अगर हमारी जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग कल से आमरण अनशन पे बैठेंगे और सरकार को जल्दी जल्दी हमारी मांगे सुननी होगी, वरना हम लोग मंत्री जी के घर का घेराव करेंगे। आज हम लोग सुबह 8 बजे से कर्मिक अनशन पे बैठे हैं और आज हमारे रेजिडेंट बॉस RDA के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी आए हैं। वो लोग हमारे समर्थन में ज्ञापन देंगे प्रिंसिपल सर को। आपका नाम बताइए। डॉक्टर नितेश पासवान। ये हमारे जो युवा साथी कल से भुगड़ताल पे बैठे हैं फीस वृद्धि को लेके, साथ में NRI वाला इशू है, NMC बिल वाला इशू है, तो ये इनकी जो मांग है ये जायज़ है और RDA अजमेर इनके समर्थन में आज यहाँ पे है। यदि फीस वृद्धि जैसे इन्होंने की है, 15 गुना लगभग फीस बढ़ा दी, तो इससे गरीब मजदूर जो गांव दूर दराज से जो आ रहा है, गरीब तबके का विद्यार्थी यहां आना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो हम इनकी जो मांग है उसका समर्थन करते हैं और आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये निवेदन है कि इनकी जल्द से जल्द इनको वार्ता पर बुलाए, इनकी सुनवाई हो, नहीं तो RDA अजमेर को भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आपका नाम? डॉक्टर देवराज राव, प्रेसिडेंट RDA अजमेर।